गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और हम जा रहे हैं कहाँ? घूमने घूमने इस ड्रेसअप में। तो आप लोग देख रहे होंगे हम बिल्कुल रेडी शेडी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि जो बुआ जी भात नोतने आई थी, तो वही जो उनके बेटे की शादी है, मेरी बुआ के लड़के की, तो आज मंडा है, जो उस दिन दूसरे ताऊ जी के लड़के का था, तो आज उसका है। तो आज बस वही जा रहे हैं हम लोग मेरठ। और बस अभी निकले हैं, टाइम हुआ है 11 और आई थिंक 1-1.5 घंटा हमें पहुंचने में भी लगेगा। तो मिलते हैं वहां पहुंचने के बाद। सब लोग आए होंगे, मम्मी पापा ताऊ जी दाई जी सब लोग उधर से भी आए होंगे। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, कुछ टाइम दिखा रहा है 25 मिनट्स। इधर है गंगा नदी, मतलब गंगा नहर, गंगा जिसे काट के जो नहर बनाई गई है, पर कुछ दिख नहीं रहा है। ये ऊंचे ऊंचे झाड़ है ना, दिखता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। दिखी नहर, दिखी बंदर भी दिखे। ये बहुत मतलब चौड़ी नहर है, मतलब शायद पता नहीं कैमरे में उतना नहीं आया। झाड़ू बनती है इनसे। गाइस बताना आप लोग, इनसे झाड़ू बनती है जो ये सूखे हुए हैं। ये देखो, सुंदर रास्ता है, दोनों तरफ झाड़ू है, बीच में सड़क है और सड़क के बीच में हम हैं। तेज भूख लग रही है। आपने क्यों लेट किया? हमारा ना उल्टा है, ये तैयार होने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। अफवाह नहीं है, ये सत्य है। ये रहा क्लोज व्यू, पर जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ वो कैमरा में नहीं आ रहा, जो भी बात है। वाओ, यहाँ के गांव वालों को तो बड़ा अच्छा लगता होगा यार, मेरा गांव। कितना अच्छा लगता होगा यहाँ के गांव वालों को, देखो कितना रेत, वाओ। इधर नहर, लवली यार, लवली, आई लव इट। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पे ऐसी नहर हो ना, वाओ। कितनी चुन्नू सी है और इधर भी है, कितनी नहर है। अरे ये इधर उधर दोनों तरफ नहर है यहाँ, गाड़ी संभाल के चलाना, बहुत पानी है इस गांव में। पानी से भरपूर है। अरे सही में, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे खोदते हैं वहीं पे पानी आ जाता है नल के लिए, ज्यादा हार्ड। हाँ बस हम पहुंचने वाले। निकल गए हैं बुआ जी के यहाँ से, अभी दोबारा आएंगे। प्रभात आश्रम जा रहे हैं जो कि टीकरी का बिल्कुल फेमस है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे देसी गायें बहुत है। यहाँ का आपको बहुत सारी मेडिसिन यहाँ से बनके सप्लाई भी होती है, और उनके दर्शन मात्र से ही आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बस वहीं पे जा रहे हैं, अब यहाँ आए हैं और ये करके ना जाए तो हो नहीं सकता। तो दिन में याद नहीं रहा, फ्री बैठे हुए थे, नहीं तो तब भी कर सकते थे, है ना। अभी थोड़ा हमने सोचा चलो, अभी भात का शुरू नहीं हुआ है भात लेना, तो मैंने सोचा इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता, तो एक बार मिल लो, नहीं तो फिर वो ध्यान में चले जाते हैं। तो एक बार देखते हैं अभी हमें मिलते हैं कि नहीं, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। और द प्लेस इज अमेजिंग जो है वहां पे। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद।
फिर बहुत साफ यस चलते हैं, आपको दिखाते हैं प्रभात आश्रम। प्रभात आश्रम हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और ये बच्चे गन्ने चूस रहे हैं, सामने नदी है, वाह क्या नजारा है, मतलब आई कैन फील द वाइब। यहाँ पढ़ाई भी होती है, सबके बच्चों के चोटी रहती है, आगे है गेट, हाँ गेट आगे है, मतलब इतना भरा हुआ है ना यहाँ, मतलब जंगल टाइप से इतना अच्छा रहता है ना, घना घना, मतलब गर्मी लगती है, हाँ हाँ मतलब मस्त देखना, हाँ 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 चोटी वाले बच्चे खुद का स्वयं का सारा काम खुद करते हैं, ये बेचारे कपड़े धोएंगे, आई थिंक आगे है गेट, ये घाट है बच्चों के नहाने का, यहाँ पूरी पढ़ाई संस्कृत में होती है, मतलब फिफ्थ क्लास के बाद एडमिशन होते हैं, हाँ ये है, आई थिंक गाड़ी हमें अपने अंदर करवा लेंगे क्या, ये यहीं कर दो आप सामने, अंदर रहने दो, अंदर रहने दो, देखो ना पहले एक बार महाराज जी से देख ले जाके, ये तो हम आके कभी भी कर लेंगे, बंदर बहुत है यहाँ, माय गॉड लव द प्लेस सीरियसली, पहले मिल लेते हैं एक बार, कौन है मेरा, कोई बात नहीं मेरे पास तो है, जो इस प्रभात आश्रम पूरा बाग है यहाँ आश्रम में, छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और फिर काम भी करते हैं शाम को, और यहाँ के बच्चे पता है प्रोफेसर्स डीयू में और ये सब होते हैं, क्योंकि मैंने इनका एक फंक्शन अटेंड किया था, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं यहाँ से बच्चों के, यहाँ एवरीथिंग, मतलब यहाँ से बच्चा जब बाहर निकलता है ना सेल्फ डिपेंडेंट होके निकलता है अलग ही, हम गुड्डू का सोच रहे थे यहाँ करवाना, वो इंडिपेंडेंट, ओके बस आई होप कि स्वामी जी हमें मिल जाए प्लीज प्लीज, बहुत टाइम हो गया, मैं जब बीमार हुई थी तब मैं मिलके गई थी 2018 में, अब देखते हैं लेट्स सी। They are speaking in Sanskrit. बच्चे काम सारा खुद करते हैं, सुंदर चंदा मामा भी निकले हुए हैं, सूरज से करें या चंदा मामा निकलते हैं, व्हाट इज दिस, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे, बट यार व्यू देखो नहीं, बट देखो कैमरे में तो कैसा लग रहा है, बट देखने में मतलब ऐसा मन कर रहा है, तो व्लॉग के लिए मैं शूट कर रही हूँ, बट ऐसा मन कर रहा है कि बस आंख बंद करो और बैठ जाओ, वाओ मतलब दिस इज जस्ट वाओ, मतलब बंदर कितने हैं, बच्चे बंदर भगा रहे हैं पीछे, अभी थोड़ी देर हम चैन से बैठते हैं वहां पे, मेरे ख्याल से भात तो हो चुका है, तो भात निकल चुका है, तो मैं शायद ना दिखा पाऊं, पर मम्मी बंदर, मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए, बहुत बंदर है, मम्मी